दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, बिहार में ड्रग इंस्पेक्टर के नियुक्ति के लिए निकाला विज्ञापन, इस तारीख तक करें आवेदन। जी देखिए, बिहार में 55 नए ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका विज्ञापन जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को 16 दिसंबर 2022 तक आवेदन पत्र जमा करने का मौका दिया गया है। वही देखिए, नए ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति के साथ ही राज्य में ड्रग इंस्पेक्टर के सभी स्वीकृत 163 पदों को भरा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से या फार्मास्यूटिकल साइंस में डिग्री होनी चाहिए। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कैबिनेट ने 31 बड़े फैसले पर लगाई मुहर, जानिए आम आदमी को क्या कुछ मिला। याद देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 31 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई। खबर के मुताबिक कैबिनेट बैठक में सेविका चयन मार्गदर्शिका 2022 को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इसके अलावा उद्योग विभाग के तहत संजीवन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वही समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 की स्वीकृति मिली है, यानी कि सेविका को इंटर पास और सहायिका के लिए मैट्रिक पास योग्यता रखी गई है। अब सेविका की बहाली जिला स्तर पर होगी। वही सेविका की बहाली में स्थानीय वार्ड का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, ताड़ी शराब बेचने वालों को 1 लाख रुपए देगी राज्य सरकार, कैबिनेट की बैठक में हो गया फैसला। जब देखिए, बिहार में शराब पीने और बेचने के आरोप में 4.5 लाख लोगों को जेल भेजने के बाद नीतीश कुमार नया स्कीम लेकर आ गए हैं। शराब बंदी वाले राज्य में शराब और ताड़ी बेच रहे लोगों को 1 लाख रुपए देने का फैसला लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा कि सतत जीविका पोर्जन योजना के तहत वैसे परिवारों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी जो देसी शराब या ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में लगे है। साथ ही राज्य सरकार शराब ताड़े के उत्पादन और बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन और अनुसूचित जाति जनजाति परिवार को 1 लाख रुपए देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना में 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के मौके पर नीतीश कुमार ने ऐलान किया था। उस दिन नीतीश कुमार ने कहा था कि असली धंधेबाज बाहर कहां निकलते हैं, वह तो गरीब गुरबा को बाहर भेजकर शराब बेचवाता है। गरीब गुरबा लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। नीतीश ने कहा था कि हम नई योजना बनाने जा रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं या ताड़ी बेच रहे हैं उनके लिए सरकार नया स्कीम ला रही है और कल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, मैथिली ठाकुर बिहार के नौजवानों को खादी और हैंडलूम पहनाएंगे, सरकार ने प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जब देखिये, प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर को मंगलवार को बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। खादी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने मैथिली को खाद और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उद्योग विभाग ने कल इसकी घोषणा की है और बताया कि बिहार के खादी उद्योग को बेहतर करने के लिए और इसे अनूठी पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसलिए बिहार की चर्चित लोक गायिका मैथिली ठाकुर को प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। वहीं देखिए, मैथिली ठाकुर ने कहा कि बिहार खादी और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनना उनका सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि खादी को फिर से नई पहचान दिलाने के लिए वो युवाओं के बीच प्रचार करेगी, साथ ही लोगों को इसके प्रति प्रेरित भी करेगी। सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों से अपील भी करेगी, खादी के कपड़ों और हस्तशिल्प की कारीगरी को युवाओं तक पहुंचाएगी। बड़ी खबर में देखिए, करीब 2 महीने बाद जगदानंद सिंह पहुंचे आरजेडी ऑफिस, तेजस्वी ने किया स्वागत। जहाँ देखिए, बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करीब 2 महीने बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे। उनके स्वागत के लिए खुद तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि तेजस्वी जगदा बाबू को साथ लेकर आरजेडी कार्यालय पहुंचे। उनकी वापसी के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और समर्थकों के लिए बीच उत्साह देखने को मिला है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगदानंद सिंह पिछले 2 महीने से लालू यादव और तेजस्वी यादव से नाराज दिख रहे थे। उनके बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से उन्होंने आरजेडी से दूरी बना ली थी। जगदा बाबू की पार्टी से नाराजगी के बाद उन्हें मनाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। अंत में लालू यादव ने सिंगापुर रवाना होने के पहले जगदानंद सिंह को दिल्ली बुलाया और उनसे बातचीत की। लालू यादव ने उन्हें बताया कि सब आपको करना है, अब लालू की बात को जगदा बाबू भला कैसे टाल सकते। इसके बाद उन्हें फिर से आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है।
बड़ी खबर में देखिए, विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी, गिरिराज बोले बिहार में सरकार बने तो लागू करेंगे कानून। जब देखिए बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई है। गिरिराज सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बिहार का विकास करना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना होगा। इस दौरान गिरिराज सिंह ने NRC और कॉमन सिविल कोड पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में सीमित संसाधन है, बावजूद इसके जनसंख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। भारत की आबादी आज चाइना के बराबर हो गई है। चाइना ने जनसंख्या नियंत्रण पर पॉलिसी लाकर करीब 60 करोड़ से अधिक की आबादी को रोका है। 1989 में भारत का GDP चाइना के GDP से अधिक था, लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण आज भारत से अधिक चाइना की GDP है। चाइना में एक मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वही भारत में 31 से 33 बच्चे हर मिनट पैदा हो रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 20 एक्सप्रेस और 14 पैसेंजर ट्रेनें रद्द। वैशाली और कैपिटल एक्सप्रेस समेत 25 ट्रेनें डाइवर्ट। 2 से 8 दिसंबर तक बरौनी जंक्शन पर होगा काम। जहां देखिए बिहार के सोनपुर मंडल में रेल परिचालन में बड़ा फेरबदल किया गया है। यह बदलाव आने वाले 2 से 8 दिसंबर 2022 तक के लिए होगा। इसके अनुसार 20 मेल एक्सप्रेस व 14 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ में 25 विभिन्न ट्रेनों का रास्ता भी बदल दिया गया है। जिन ट्रेनों का रद्द किया गया उसमें बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस, भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, पटना कटिहार एक्सप्रेस, सहरसा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, बरौनी नई दिल्ली स्पेशल, हटिया पूर्णिया कोड एक्सप्रेस, पटना जयनगर एक्सप्रेस, हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस, वही सहरसा पटना एक्सप्रेस और पटना सहरसा एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा जिन पैसेंजर को रद्द किया गया उसमें बरौनी समस्तीपुर बरौनी डेमू स्पेशल, वही कटिहार समस्तीपुर मेमू स्पेशल, कटिहार बरौनी मेमू स्पेशल, समस्तीपुर बरौनी मेमू स्पेशल, बरौनी पटना मेमू स्पेशल, बरौनी पाटलिपुत्र मेमू स्पेशल और दानापुर बरौनी मेमू स्पेशल शामिल है। बड़ी खबर में देखिए, आज से बिहार के गांव में लगेगा स्मार्ट मीटर। 15.8 हजार करोड़ की योजनाओं का सीएम करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का होगा शुरुआत। जहां देखिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऊर्जा क्षेत्र के 15,871.24 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात जनता को देंगे, जिसमें 2635 करोड़ रुपए की योजनाओं को लोकार्पण, 5,930 करोड़ रुपए की योजनाओं के शिलान्यास और 7,305 करोड़ रुपए की योजनाओं को शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण बिजली उपभोक्ता कि यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी शामिल रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन कार्य का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट अस्पताल व पर्यटन स्थलों से बैरिया ISBT के लिए चलेगी सरकारी बसें। यह देखिए शहर के सभी रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट अस्पताल व पर्यटन स्थलों से पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बैरिया के लिए सरकारी बसें चलेगी। इनमें पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल शामिल है। सोमवार को DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बस टर्मिनल की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। परिवहन निगम को इस संबंध में निर्देश भी दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, 67वें BPSC को लेकर फिर हंगामा। अभ्यर्थियों ने विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी का किया घेराव। जहां देखिए 67वें BPSC परीक्षा को लेकर हंगामा अभी थमा नहीं है। कल यानी मंगलवार को अभ्यर्थियों ने BPSC ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। उन्होंने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी का घेराव कर लिया, जिसके बाद सिन्हा को अपनी गाड़ी से उतरना पड़ा और इन अभ्यर्थियों की मांग सुननी पड़ी। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। उनकी मांग है कि पेपर लीक मामले की जांच CBI में कराई जाए। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियंत्रण सचिव अमरेंद्र कुमार को भी उनके पद से हटाने की मांग की है। 67वीं BPSC परीक्षा में पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने खूब बवाल किया। उन्होंने मामले की CBI जांच कराने की मांग की। उन्होंने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी का घेराव कर लिया। सिन्हा ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देकर शांत कराया है। घर में देखिए, यूपी बिहार में 9.23 लाख देंगे CGL 2022 Tier 1 परीक्षा। जहां देखिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2022 Tier 1 1 से 13 दिसंबर तक ऑनलाइन कराई जाएगी। SSC मध्य क्षेत्र के अध्ययन यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 9,23,028 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वही आपको बता दें कि देश भर में तकरीबन 31 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। परीक्षा प्रतिदिन 4 पालियों में 9 से 10, 11:45 से 12:45, 3:30 और 5:15 से 6:15 तक ले जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों को केंद्र पर 1 घंटे पहले रिपोर्ट करने को कहा गया है।
खबर में देखिए आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट इस सप्ताह जारी होने के आसार। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट इस सप्ताह जारी हो सकता है। नतीजे इस सप्ताह के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है। परिणाम जारी होने पर अभ्यर्थी अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को 19 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। जल्द ही रेलवे भर्ती बोर्ड नतीजे जारी करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के जरिए ग्रुप डी के 1,03,000 पदों पर भर्ती होगी। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कई शिफ्टों में होने के चलते नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जारी किया है। खबर में देखिए बिहार के कैथल वलिया में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। 2024 में होगा उद्घाटन। यह देखिए अयोध्या से जनकपुर के बीच पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण दिसंबर में शुरू होगा। यही 6 महीने के भीतर दुनिया के सबसे बड़े व 33 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना होगी। वही आपको बता दें कि मंदिर का उद्घाटन 2024 में होगा और दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के लिए तमिलनाडु के चित्रपल्ली जिले की पहाड़ी से ग्रेनाइट की एक चट्टान ली गई है। करीब 250 मीट्रिक टन वजन इस चट्टान को 196 चक्के और 122 फीट लॉबी लॉरी से महाबलीपुरम पहुंचाया गया, जहां से तरासने के बाद इसे कैथवलिया लाने में 1.5 महीने का समय लगेगा, क्योंकि इससे ट्रक की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। देखिए बिहार में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले करना होगा ये काम। नया नियम लागू। जबकि अब बिना रोड सेफ्टी का वीडियो देख लर्निंग लाइसेंस नहीं बनेगा। यह नया नियम शनिवार से लागू कर दिया गया है। अब वाहन मालिकों के लिए लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले 7 मिनट का वीडियो देखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें गाड़ी चलाते समय चालक के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है उसकी जानकारी दी गई है। वीडियो में हेलमेट पहने, ओवर स्पीड नहीं चलने, ओवरटेक नहीं करने, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात नहीं, अपने लेन में चलने, इमरजेंसी वाहन को रास्ता देने, रेड लाइट जंप नहीं करने, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने आदि के बारे में बताया गया है। बड़ी खबर में देखिए बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक हटी। पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जहाँ देखिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया से रोक हटा ली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए इस साल 15 सितंबर को इन शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी थी। सोमवार को खंडपीठ ने राज्य सरकार के अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख सकती है, लेकिन इनकी बहाली अपील याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।